हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। और देखिए दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड में जरूर देखिएगा और मुझे रिप्लाई भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक सीरीज दी हुई है JQIRHS, नेक्स्ट क्या आएगा ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सी सीरीज है, पहला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके देखिए आप आंसर बता सकते हैं इसका। देखिए यहाँ पे चल रहा है आपका -1 और +1। देखिए जे में से -1 करेंगे तो आई, आई में से -1 करेंगे एच, और एच में से -1 करेंगे यानी कि एक पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो जी आ गया, वैसे ही हम यहाँ पे +1 करेंगे, क्यू में +1 आर, आर में +1 एस, एस में +1 करेंगे तो टी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा, जी टी। तो जी टी यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सीरीज का ही है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगा है कि यहाँ पे क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप बता सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, आपको दिख भी रहा होगा, 16 का अगर स्क्वायर किया जाए तो कितना होता है, 256, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। यानी कि ये जो भी लिखा है नेक्स्ट, वो उसका आप रूट भी कर सकते हैं, यानी कि 16 का रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा, या फिर आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है, 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, उल्टा इधर से चलेंगे तो स्क्वायर और इधर से करेंगे तो रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक बार ट्राई करिए, बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी इसका राइट आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है, +0, +1, +2, +3, इस तरीके से। देखिए सीरीज क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स ऐड हो रहे होंगे। तो यहाँ पे 41 है, 41 है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो चांसेस रहते हैं, या तो जीरो की या तो 1 की मल्टीप्लाई हुई होगी, या फिर यहाँ पे 0 प्लस किया गया होगा। तो 41 में 0 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस करेंगे तो 41 ही रहेगा। फिर प्लस 1 करेंगे तो 42, प्लस 2 करेंगे तो आपका 44, प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे 47 आना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या है, 48, और यहाँ पे प्लस आपका 3 हो गया, प्लस 4, प्लस 5, तो यहाँ पे 47 आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, 48, यानी कि यही इनकरेक्ट हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको ट्राई करके देखिए, सभी आंसर लगा सकते हैं। डायरेक्शन का है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है, रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है, और 2 किलोमीटर चलकर पुनः बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु पर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, वह प्रस्थान के बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो सिंपल है, देखिए जब भी डायरेक्शन बोली जाए, दो तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो डायरेक्शन वाइज डायरेक्शन चल रहा है, या फिर लेफ्ट राइट या बाएं दाएं बोल के चलाया जाता है। तो यहाँ पे बाएं दाएं है, ठीक है। तो रोहन ने उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, तो उत्तर की ओर यानी कि इस डायरेक्शन में चला होगा, मैंने वैसे यहाँ पे कर रखा है, अच्छे से यहाँ पे समझा दूंगा मैं। उत्तर की ओर चलेगा, कहीं से भी आप किसी भी पॉइंट से 3 किलोमीटर उत्तर की डायरेक्शन में चला दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है लाइन में, नेक्स्ट बोला जा रहा है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद चलकर बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यानी कि उत्तर की ओर जब वो चला जाता है 3 किलोमीटर, इसके बाद वो बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाईं ओर यानी कि आपकी लेफ्ट साइड मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, और चलता है इस बिंदु पर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि हर बार वो बाईं ओर ही मुड़ रहा है, और इसके बाद भी वो कितना चला है, 2 किलोमीटर के बाद 3 किलोमीटर चलता है बाईं ओर मुड़ने के बाद में, यानी कि लेफ्ट साइड में। देखिए अगर वो यहाँ पे खड़ा है तो उसका बाईं ओर कौन सा रहेगा, लेफ्ट साइड कौन सा रहेगा, ये वाली। तो 3 किलोमीटर यहाँ पे चला, फिर उसके बाद एक बार और वो बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो देखिए 2 किलोमीटर तो ये हो गया, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर कितना रहेगा, इस 2 से तो आगे निकल के जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका 3 किलोमीटर। तो अब क्या पूछा गया क्वेश्चन में, फाइनल आपका पूछा जा रहा है, वह प्रस्थान के बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो सिंपल सा है भाई, देखिए
बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा 1 किलोमीटर दूरी पर है, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था और यहाँ पे अभी वो खड़ा है, तो ये दूरी कितनी है 1 किलोमीटर की, तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपके, ग्रुप डी की अगर मैं बात करूँ या फिर अभी यूपी पुलिस की मैं बात करूँ और RPF की अगर बात की जाए, आपका SSC GD की बात की जाए, तो इनमें आपके हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट बहुत ही माइनर सी चीज़ आपने अगर गलती कर दी तो वहीं पर गलत हो जाता है। रीजनिंग तो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आशा करता हूँ कि आप सभी जो जितने भी एग्जाम दे रहे हैं अभी, जैसे ग्रुप डी का भी एग्जाम चल रहा है और यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम हुआ है, तो सभी का एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे। बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है और बाकी बात मैं इस वीडियो के एंड में करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है आई थिंक ये, और ये है कथन निष्कर्ष है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कोई चाय कॉफी नहीं है, कुछ ड्रिंक चाय है। तो देखिए इसका दो तरीके से डायग्राम बन सकता है, वो मैं दोनों कंडीशन आपको बताऊंगा। कोई चाय कॉफ़ी नहीं है, अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए कोई भी चाय और कॉफ़ी नहीं है, या तो ये वाला कंडीशन बनेगी कि देखिए चाय और कॉफ़ी के बीच में कोई रिलेशन शो नहीं हो रहा है, तो चाय और कॉफ़ी अलग अलग मैंने दो डायग्राम बना दिए। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कुछ ड्रिंक चाय है, जो कुछ ड्रिंक है वो चाय है, तो इसका मतलब कुछ चाय ड्रिंक है और कुछ ड्रिंक चाय है, तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम बना सकते हैं। अब ये वाली कंडीशन तो मैंने रीड करके बना ली, बट इसकी एक कंडीशन और भी बन सकती है। यहाँ पे बोला गया कि कोई चाय कॉफ़ी नहीं है, तो देखिए यहाँ पे मैंने चाय का बनाया, यहाँ पे ड्रिंक का बनाया, ठीक है, सॉरी देखिए दोस्तों वो मिसप्रिंट हो गया था। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ देखिए दूसरे डायग्राम की, तो इसमें अगर मैं बोलूँ इसे चाय चाय, ठीक है ये चाय मान लीजिएगा, और इसको कॉफ़ी, तो अभी भी तो कोई चाय और कॉफ़ी नहीं है, ठीक है, और ये हो जाएगी ड्रिंक आपकी। तो यहाँ पे इस तरीके से भी ये वेन डायग्राम मतलब बन सकता है। बाकी आप कंफ्यूज मत होइए, इसको छोड़िए, आपको ये समझ में आ गया तो बस इस पे ही आप टिके रहिए, ठीक है, यही आपको वेन डायग्राम बेसिकली बनाना आना चाहिए। इसमें बोला क्या गया देखते हैं अभी, भाई समझ में आ गया ना आपके जो कथन पढ़ के मैंने बनाया वेन डायग्राम वो समझ में आ गया, तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसमें बोला गया है पहले वाला कम से कम कुछ चाय ड्रिंक है, तो कम से कम कुछ चाय ड्रिंक है का मतलब क्या है भाई, देखिए कम से कम कुछ चाय ड्रिंक है का मतलब है कि कुछ ड्रिंक चाय है, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं कुछ चाय ड्रिंक है, तो यहाँ पे कुछ वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो पहले वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में बोला जाए कोई कॉफ़ी ड्रिंक नहीं है, तो कोई कॉफ़ी ड्रिंक नहीं है, अब कॉफ़ी और ड्रिंक के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया। मैंने क्या बताया आपको, जो अभी तक पढ़ाया है मैंने आपको क्या बताया कि किसी के बीच में भी कोई रिलेशन कथन में नहीं दिया जाता, तो इसका मतलब उसके बारे में हम कोई भी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया कोई कॉफ़ी ड्रिंक नहीं है, तो ये हमें नहीं पता कि नहीं है या है, इसके बारे में हमें पता नहीं है क्योंकि कथन में दिया नहीं गया, तो इसको हम कट कर देंगे, निष्कर्ष आपका पहले वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कथन और पूर्व धारणाएं पे, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और इसको ध्यान से पढ़ के देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में विविध फीस लेने में एक रूपता होनी चाहिए, ठीक है। पूर्व धारणाएं पढ़ के देखते हैं ये ऊपर कथन से रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। पहले वाला दे रखा है सरकारी सब्सिडी लोगों से टैक्स द्वारा धन इकट्ठा करने से आती है, तो आप मुझे ये बताइए ऊपर कहीं भी टैक्स की धन इकट्ठा करने के बारे में कोई आपका मतलब रिलेशन है, तो नहीं है ना, तो टैक्स की तो कोई बात ही नहीं की गई है, जबकि पूर्व धारणा में आपकी टैक्स की बात की जा रही है कि सरकारी सब्सिडी लोगों से टैक्स द्वारा धन इकट्ठा करने से आती है, तो हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि कहाँ से आती है कहाँ से नहीं आती, क्योंकि कथन में ये दिया नहीं गया है। सेकेंड ऑप्शन है आपका सब्सिडी देने के समय सरकार ने फीस के बारे में एक रूपता रखने संबंधित कुछ शर्तें लागू की होगी, तो यहाँ पे शर्त के बारे में भी कोई बात नहीं की गई है, तो ये भी आपका नहीं होगा, यानी कि इस क्वेश्चन में आपका कोई सभी पूर्व धारणाएं सही नहीं है, दोनों की दोनों रॉन्ग हो जाएगी, तो आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा, दोनों गलत है, ठीक है। ऐसा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। देखिए कथन और पूर्व धारणाएं कथन निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें जो कथन में दिया होता है उससे रिलेट करना बहुत जरूरी होता है, जो आपके पूर्व धारणाएं होती हैं जो आपका निष्कर्ष होता है, ठीक है, स्टेटमेंट अजम्पशन भी हम इसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि रिलेट करना चाहिए और उससे ही आपका जो निष्कर्ष निकलना चाहिए, ये इसका कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे टैक्स की बात नहीं की गई ऊपर कथन में, यहाँ पे शर्त की कोई बात नहीं की गई है, तो इन दोनों को हम हटा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कथन और पूर्व धारणा से ही, यहाँ पे दिया गया कथन में प्रमुख विरोधी पार्टी के नेता
ने दावा किया कि चक्का जाम का आह्वान पूरे राज्य में भारी सफल रहा। तो इससे हमारी पूर्वधारणा क्या क्या आती है, इसको पढ़ के देखते हैं। भविष्य में लोग मुख्य विरोधी पार्टी को समर्थन देंगे, तो यहाँ पे भविष्य की तो बात ही नहीं की गई है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि जो बातें कथन में कही जाती है वही आपकी पूर्वधारणाएं में होनी चाहिए। अगर कथन में कुछ और बोला जा रहा है, पूर्वधारणाएं में कुछ और बोला जा रहा है, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया, लोग संभावित चक्का जाम के आह्वान के पीछे के कारणों से सहमत हो गए हैं। देखिए, अगर कथन में ये बोला जा रहा है कि प्रमुख विरोधी पार्टी के नेता ने दावा किया कि चक्का जाम का आह्वान पूरे राज्य में भारी सफल रहा, तो इसका मतलब सफल रहा है। ठीक है ना, हम अपनी तरफ से ये ऐड नहीं कर सकते कि सफल रहा है या नहीं रहा है, क्योंकि कथन में बता दिया गया कि सफल रहा है, तो इसका मतलब लोग संभवत चक्का जाम के आह्वान के पीछे के कारणों से सहमत हो गए होंगे, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सेकंड वाला जो पूर्वधारणा है आपकी, ये बिल्कुल करेक्ट होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है ना, तो ये चक्का जाम के आह्वान में के पीछे के कारणों से सहमत होंगे, तभी तो चक्का जाम सफल रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसको ट्राई करके देखिए एक बार आप भी। जब बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। यदि किसी संकेतिक भाषा में लाइफ को VURO लिखा जाता है, तो वाइफ को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आपको ये पता हो कि ABCD यानी कि अल्फाबेट्स के आपको अगर नंबर याद हैं और उनके अपोजिट वर्ड भी याद हैं, तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। मैंने आपको कई बार बताया भी है, अगर याद नहीं है तो आपको क्या करना है, देखिए, ए से एम तक, एम के नीचे एन और जेड तक, ऐसे लिख लीजिए ये सारे की सारी अल्फाबेट्स। इसी तरीके से लिखेगा क्योंकि इसमें ये अपोजिट वर्ड भी आपके याद हो जाएंगे और कवर भी हो जाएंगे। ठीक है, उनके ऊपर नंबर डाल लीजिए, तो आपके कई क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज़ मतलब करेक्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे दिया गया है, यदि किसी संकेतिक भाषा में लाइफ को VURO लिखा जाता है, तो वाइफ को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, ये अपोजिट वर्ड है। एल का अपोजिट क्या होता है? वी होता है। आई का अपोजिट क्या होता है? यू होता है। एफ का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। ई का अपोजिट ओ होता है। अगर मैं इसी तरीके से वाइफ की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपका, सॉरी मैंने आपको कुछ गलत बता दिया आई थिंक, यहाँ पर देखिए अपोजिट वर्ड ये नहीं होंगे। ठीक है, मैंने आपको इस तरीके से बताया ना, तो ये गलत बता दिए। यहाँ पे अपोजिट वर्ड देखिए, ई का अपोजिट वी होता है। ठीक है ना, ये अपोजिट वर्ड ये होते हैं। तो मैंने आई थिंक आपको ये थोड़ा सा गलती हो गई। अभी आपको आपके साथ में कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ मैं इस वीडियो के एंड में, तो आप इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए, ई का अपोजिट वी होता है। ठीक है, एफ का अपोजिट क्या होता है? यू होता है। आई का अपोजिट आपका आर होता है और एल का अपोजिट आपका ओ होता है। ठीक है ना, मैंने शायद एल का अपोजिट वी कर दिया, तो बड़ी गलती चीज़ है ये तो। ठीक है ना, तो आपका ये पूरा रहेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वाइफ का अपोजिट क्या रहेगा, देखिए ई का अपोजिट आपका क्या मैंने बताया अभी, वी हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे देखा आपने ई का, तो ये आपको पता चली गया, तो ई का वी हो जाएगा। एफ का अपोजिट क्या होगा आपका? यू हो जाएगा। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और डब्ल्यू का अपोजिट आपका डी हो जाएगा, यानी कि VURD राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 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 आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अपोजिट वर्ड थे बेसिकली यहाँ पे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और छोटी मोटी जो गलती हुई है उसको आप माफ़ करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके की कोडिंग भी कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पे बोला जा रहा है किसी संकेतिक भाषा में 743 का अर्थ है मैंगोज आर गुड, एंड 657 का अर्थ है ईट गुड फूड, एंड 934 का अर्थ है मैंगोज आर राइप। तो यहाँ पे भाषा में, तो इस भाषा में रिप को क्या कोड होगा? तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सा है, जैसे ये दिया गया है तो आपको बिल्कुल वैसे ही लिख लेना है। सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे 743 को मैंने लिख लिया मैंगो आर गुड, उसी तरीके से इसको यहाँ पे मैंने लिख लिया और इसको भी लिख लिया है। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है ये देखिए, सबसे पहला 7 है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 7 किसी दूसरी लाइन में भी है क्या? तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन में है, दूसरी लाइन में, तीसरी में तो नहीं है। तो इसका मतलब मैं इसको कुछ अलग से कर लेता हूँ, जैसे मैंने इसके मैं त्रिभुज बना दिया, तो ये आपका हो गया 7 के लिए। अब ये देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इस पूरी लाइन में मैंगो आर गुड, ईट गुड आर फूड, तो इन दोनों में आपका कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन आपका गुड है। तो गुड गुड को मैंने दोनों को त्रिभुज बना के अलग से डिनोट कर दिया, यानी कि 7 के लिए कोड क्या है? गुड का है। फिर नेक्स्ट आपका 4 देखिए, 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है,
तो फोर को मैंने यहाँ पे किया और इन दोनों में कॉमन क्या है, इस लाइन में उस लाइन में, यहाँ पे कॉमन है आपका आर, तो आर के लिए क्या यूज हो गया, फोर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका थ्री, थ्री यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसको मैंने गोल कर दिया, यहाँ पे भी गोल कर दिया। फिर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, मैंगो, तो मैंगो के लिए आपका कोड ये हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपकी चीज़ समझ में आई होगी। अब मुझे कोड किसका चाहिए, रिप का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस रिप इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों को तो हमें छोड़ ही देना चाहिए। और मुझे पता चल गया थ्री किसका कोड है, मैंगो का, फोर किसका है, आर का, तो ये रिप का कोड क्या बचा, नाइन, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, नाइन इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 2 4 6 8 5 को 3 3 7 7 6 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपको क्या लिखना है, 3 5 7 9 1 को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पे किसी सांकेतिक भाषा में 2 4 6 8 5 को ये लिखा जा रहा है, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा सा ये देखिए कि 2 में मैंने प्लस 1 कर दूँ तो 3 आ जाएगा, और 4 में से माइनस 1 कर दूँ तो 3 आ जाएगा, 6 में प्लस 1 कर दूँ तो 7 आ जाएगा, 8 में से माइनस 1 करूँ तो 7 आ जाएगा, 5 में प्लस 1 कर दूँ 6, यानी कि क्या चला है, समझ में आ गया ना, -1 +1 -1 +1 -1 +1, तो आपका ये कोड है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल आपको यही करना है, बस ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपका माइनस हुआ था, 2 से 3 हुआ ना, तो माइनस हो गया। यहाँ पे 3 में -1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सॉरी यार पता नहीं क्या हो रहा है, प्लस हो गया ना, 2 से 3 होगा तो प्लस ही होगा, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, +1 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 4 हो जाएगा, 5 में +1 करेंगे, सॉरी -1 करेंगे, 4 हो जाएगा, 7 में +1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 में -1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 में +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 4 4 8 8 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूँ तो इसलिए कुछ चीज़ें छोटी छोटी गलती हो रही हैं। चलिए फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, तो शायद ये इतने ही थे, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप थोड़ी सी अब मेरी बातें सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, बात ये है कि मैं आपके लिए पहले भी बताया था कि लाइव क्लासेस लेके आने वाला हूँ, तो लाइव क्लासेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है, बट मेरा जो टारगेट है वो बिल्कुल क्लियर है कि आपको लाइव क्लासेस ही देने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि बहुत सारे टीचर्स आपके लिए लेके आऊँगा, अच्छे अच्छे टीचर्स होंगे, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे, आपके हर एक सब्जेक्ट की सेपरेट क्लासेस चलेंगी, वो जो मेरा टारगेट है मैं उसको पूरा करना चाह रहा हूँ, और उसमें मैंने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर भी चुका हूँ, बट फाइनली रिजल्ट क्या रहा है वो थोड़ा सा आपने भी देखा था, एक दिन हम लाइव आए भी थे तो वो जो स्क्रीन है वो मतलब सेटिंग नहीं हो पा रही है, तो उसमें जो भी टाइम लग रहा है तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, जितनी वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए हैं उनको देखिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैंने आपको बताया है कि मैं आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, तो करा के रहूँगा, वो आज नहीं तो 10 दिन और लग जाए, चाहे क्या पता 2 3 दिन बाद स्टार्ट हो जाए, क्या पता 10 दिन लग जाए, तो अभी तक इसमें मुझे भी क्लियर नहीं है। अब सबसे बड़ी मेन चीज़ यहाँ पर आ रही है कि कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता है, जो भी चीज़ें कर रहा हूँ मैं अकेला कर रहा हूँ, या तो मेरी ये गलती है कि मैं अकेला कर रहा हूँ, क्योंकि कोई ज़्यादा किसी की हेल्प नहीं करता है, नहीं मतलब हेल्प किसी को कुछ बताना चाहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब परेशान भी हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं इस टाइम पे वीडियोस भी नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, जितनी भी वीडियोस बन पाएगी मैं आपको वीडियोस ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, आपको लाइव टेस्ट ज़रूर मिलेगा, या तो 10 बजे या फिर 11 बजे उसको ज़रूर देख लिया करें, उसमें मैं आपसे बातचीत भी कर लेता हूँ और एक लाइव टेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर, आई होप कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे, मेरी प्रॉब्लम को आप समझते होंगे, तो अगर समझते हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने वीडियो एंड तक देखी, और आपको लाइव क्लास का इंतज़ार भी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।